अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहित फ्रॉम मोहिटेक चैनल से। स्वागत है आप सब मेरे इस मोहिटेक चैनल पे। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कर्सर को कैसे यूज़ करते हैं, कर्सर पॉइंट को। आप एक यूट्यूबर हैं तो इस कर्सर को यूज़ करके अपने यूज़र्स को इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने वीडियो को अच्छे से समझा सकते हैं, अपने ट्यूटोरियल को अच्छे से समझा सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले जाना है अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद एसेसिबिलिटी का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें। उसमें जाने के बाद इंटरैक्शन एंड डेक्सटेरिटी, इस पर क्लिक करें। फोर्थ ऑप्शन है इंटरैक्शन एंड डेक्सटेरिटी, और इसमें सेकंड ऑप्शन है असिस्टेंट मेनू। असिस्टेंट मेनू को ऑन कर लें तो अपना ये कर्सर पॉइंट ओपन हो गया। ओके, ये वाला अपना कर्सर पॉइंट है। जब हम कभी भी कुछ ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो इसको उसी पॉइंट में ले जाएं तो शो करेगा। ओके, तो इसमें कुछ ऑप्शंस है वो भी शो कर देता हूँ, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पर क्लिक करें, इसमें बहुत से ऑप्शंस भी हैं। नोटिफिकेशन पैनल है, नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करेंगे तो हमारे जो भी हमें अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ गए हैं, कुछ मैसेजेस, कुछ व्हाट्सएप के, ईमो के, कुछ भी फेसबुक के, वो नोटिफिकेशन शो करेगा। इधर देखिए ये सब ओपन हो गया। ओके, और इसके बाद है पिंच जूम, इसको जूम करने के लिए यूज़ होता है, जूम इन जूम आउट के लिए। और थर्ड ऑप्शन है फ़ोन ऑप्शंस, इसको ओपन करेंगे तो स्विच ऑफ करना है, रिस्टार्ट करना है, कोई उसको ऑप्शन शो करेगा। ओके, और दूसरा स्क्रीन कंट्रोल, स्क्रीन को कैसे कंट्रोल करना है, यानी हम स्लाइडिंग जैसा करेंगे वैसा ये इस्तेमाल होता है इसका। ऐसा देखिए ये इसका ऑप्शन है। और दूसरा है मेनू सेटिंग्स, इसमें जाके आप क्लोज भी कर सकते हैं अपने कर्सर पॉइंट को। कर्सर इसमें क्या है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। इसमें देखिए जो कुछ चीज़ को जूम करके शो करना चाहें तो इसे शो कर सकते हैं। देखिए ओके, और है रिसेंट, जो भी आप अपने मोबाइल में रिसेंट से एप्लीकेशन ओपन हो के है उसको क्लोज करने के लिए, उसको शो करने के लिए रिसेंट वाला भी है। और होम, होम क्या है, होम में जाएंगे तो होम में आ जाएगा। और बैक ऑप्शन है स्क्रीन ऑफ, इसको स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो। और वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम का ऑप्शन है भी है इसमें। ओके, इधर से सब कुछ कर सकते हैं। और एक है स्क्रीन शॉट्स, इधर से ही स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हम, साइड वाले बटन को डबल प्रेस करके करने से भी इधर से आसान से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ओके, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।